हेलो एवरीवन, टुडे वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 3A क्लास 8 ICSE बोर्ड। और हम सेरिना पब्लिक सर की जो आर के वंश राइटर है उसकी बुक कर रहे हैं, जो आप कॉन्साइन मैथमेटिक्स नाम से भी जानते हैं, उस बुक को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले 2B तक के सभी एक एक क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर चुका हूं, जिन सभी क्वेश्चन का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप रनिंग करें तो वहां से वीडियो देख सकते हैं। टॉपिक है आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। फर्स्ट एक्सरसाइज 3A में तो स्क्वायर की सवाल है, तो हम स्क्वायर करेंगे। मैंने एक इसका इंट्रोडक्शन का वीडियो बनाया था, प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर नाम से है ना, तो इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा। इस वीडियो को, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आप वो जरूर देख रहे हैं, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी हो, इंट्रोडक्शन ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है जल्दी से बताता हूँ। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर क्या होता है? स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर बाय इटसेल्फ। किसी नंबर का उसी से मल्टीपल कर दें तो वो स्क्वायर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम कहें 15 का स्क्वायर फाइंड करना है, 15 का स्क्वायर को हम 15 रेज टू द पावर 2 लिख देते हैं, इसका मतलब 15 का स्क्वायर। तो इसका मतलब है 15 का 15 से ही मल्टीपल कर दें, जो भी आएगा वो इसका स्क्वायर हो जाएगा। 15 इंटू 15 होता है 225, तो 225 इज द स्क्वायर ऑफ 15। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी पर बेस है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट पार्ट 59। तो स्क्वायर ऑफ 59 यानी कि 59 का स्क्वायर क्या होगा? 59 into 59। स्क्वायर आपको 50, 60, जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वायर याद करना, 50 तक के तो स्क्वायर याद होने चाहिए, है ना। 59 का स्क्वायर क्या होता है वैसे? 3481, यानी कि 59 into 59। आपको याद नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप इसको ऐसे मल्टीपल करके कर लो। मुझे याद है तो मैं लिख देता हूँ, 3481 इज द आंसर। सेकंड है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 6.3। हमें 6.3 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो इसका मतलब क्या होगा? 6.3 into 6.3। अब देखो क्या करेंगे, 63 का आपको अगर स्क्वायर याद नहीं तो सिंपल मल्टीपल कर दो, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। अब 6 का मल्टीपल, 6 3 जा 18 कैरी 1, 6 6 जा 36 37, 9 8 16 कैरी 1, 7 1 8 9 और 3। अब डेसिमल का आएगा, यहाँ 1 प्लेस के बाद, यहाँ 1 प्लेस के बाद 1 1, ये तो जानते हैं मल्टीपल, 2 प्लेस के बाद, 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगा दीजिए, तो इसका आंसर हो गया 39.69 इज द आंसर ऑफ, या इज द स्क्वायर ऑफ 6.3। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट हमें देखा है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 15 and 2 by 3। इसका स्क्वायर फाइंड करना है, यानी कि इसका ये स्क्वायर। तो फर्स्ट वी विल राइट द मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो 3 का मल्टीपल 15 में, 3 into 15 45, 45 प्लस 2 कितना हो गया? 47/3 का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? 47 into 47 और 3 into 3। 47 into 47 ये याद होना चाहिए, नहीं याद है तो आप वैसे ही मल्टीपल कर दो, वैसे इधर 2209 होता है 47 का स्क्वायर, और 3 into 3 क्या होता है? 9। ओके, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दो, 9 का डिवाइड 2209 मिनट कर दें, 9 2 जा 18, 22 में से 18 सेपरेट करा 4, ब्रिंग डाउन 0, 9 4 जा 36, 40 में से 36 को सेपरेट करेंगे तो 4 बचेगा और ब्रिंग डाउन 9, और 9 5 जा 45, कितना आया रिमाइंडर? 5। तो कितना क्वेश्चन है? 245, तो लिखो 245, जो रिमाइंडर होता है ऊपर आता है 5/3, तो इसका स्क्वायर ये हुआ। एक आंसर और चेक कर लूँ जरा कि मैंने याद सही था, यही होता नहीं होता चेक हो जाएगा। 3A का फर्स्ट का थर्ड पार्ट 245/4/9 आ रहा है, तो हमने सब्ट्रैक्ट गलत करा, हाँ 4 ही तो बचेगा, 9 में से 5 गया तो 4 ही बचेगा, सॉरी, तो 4/3 क्यों लिख दिया, डिवाइड तो 9 से हो रहा है, 9 ही आएगा, काम दिमाग है मेरे भाई, ठीक है ना, जो रिमाइंडर 4, ये डिवाइड तो हम 9 से करें, अपॉन में 9 आएगा। 245 होल 4/9 इज द स्क्वायर ऑफ 15 होल
टू वाई थ्री. ओके नाउ क्वेश्चन टू, वाई स्प्लिटिंग इन टू प्राइम फैक्टर फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 11025. स्प्लिटिंग द प्राइम फैक्टर क्या होता है, हम जो भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है उसके आप प्राइम फैक्टर करेंगे. ओके तो ये 527 3 से डिवाइड करें, डिविजन टेस्ट आपको मालूम होना चाहिए. 3 3 जा 9, 2 कैरी 22 जाएगा, 3 6 जा 18, फिर 2 कैरी 22 हो गया, 3 7 जा 21, 3 5 जा, फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे, सॉरी चेक कर लूँ, 7 5 12 है, हाँ चला जाएगा 3 से, 3 से डिवाइड करा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा, अब वो 5 2 7 2 9 1 10 नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 2 जा 10, कैरी 2 22 हो गया, 5 4 जा 20, कैरी 2 25, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 4 जा 20 और 45, 5 9 जा 45, फिर 7 से 7 7 जा 7 1 जा. तो स्क्वायर रूट का सिंबल ये होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 11025 क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ इसको इंटू में लिख लो, 3 × 3 × 5 × 5 × 7 × 7, 3 × 3 × 5 × 5 है ये 7 × 7. फिर हम करते क्या है, सेम प्राइम फैक्टर का पेयर बनाते हैं जिसका ये पेयर बन जाए. तो देखो 3 का बनना है, 5 का पेयर कौन सा होता है, 2 2 होना चाहिए, तो स्क्वायर रूट में एक पेयर का प्राइम फैक्टर बाहर आ जाता है, एक बार 3 ये बाहर आ जाएगा, इसका किसका पेयर है 5 × 5 है, तो 5 बाहर आ जाएगा इंटू 7, तो इसका स्क्वायर रूट इसका मल्टीपल हो गया, 5 3 जा 15, 15 7 जा 105, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 11025 इज इक्वल 105. एक और करते हैं जब समझ में आएगा. और नाउ सेकंड पार्ट इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 396900. तो आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ 396900 इज इक्वल, ये सिंबल कराता है इसका जो हमने ऊपर लिखा डाले है ना, तो ये क्या हो गया 396900. तो ये क्या हो जाएगा, अब इसके हमें प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं, बड़ा लग रहा है, यहां निकालता हूं 396900. प्राइम फैक्टर का मतलब ही होता है आपको स्मॉलेस्ट नंबर से, प्राइम नंबर से डिवाइड करना, यानी 10 से कर दोगे तो 2 से डिवाइड करा, आ जाएगा नहीं आएगा पता नहीं, क्योंकि 100 है, 2 2 जा 4 और 5, चलिए चलते हैं, 2 1 जा 2, कैरी दर गया तो 19 हो गया, 2 9 जा 18, फिर कैरी 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 0. एक बार चेक कर लूँ, 2 1 जा 2, कैरी 1 19 हो गया, 2 9 जा 18, कैरी 1 16, 2 8 जा 16, 2 3 कैरी, फिर अगेन 2 से 2 9 जा 18, कैरी 1 18 हो गया, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 2 5. ओके फिर 5 से जाएगा, 3 से तो नहीं जा रहा, चेक कर ले रहे हैं, 5 से तो जा रहा है, 3 से तो नहीं जा रहा, 9 9 जा 18, 20 22 5 27 जाएगा. आप जानते हो ना 3 का डिविजिबल टेस्ट, इन सारे डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल हो तो वो 3 से डिविजिबल होता है. अगर आप गलती से 5 से दे देते हो तो नो प्रॉब्लम, आगे 3 से आ जाएगा, लेकिन प्राइम फैक्टर में क्या होता है, पहले 2 से दो, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7, स्टार्टिंग से करना चाहिए. तो 3 3 जा 9 3 3 जा 9, अब जाएगा नहीं तो लिखेंगे ना, जाने की 0, 3 7 जा 21, 3 5 जा, फिर 3 से जाएगा, 3 1 जा 3 1 जा 25, फिर 3 से जा रहा है, 3 3 जा 9, और कैरी 2 20 हो गया, 3 6 जा 18, फिर कैरी 2 22, 3 7 जा 21, 1 3 5 जा, एक बार तोड़ जाएगा, क्या जाएगा 6 3 9 9 और 7 कितने 16 और 5 21 गया 3 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 3 5 जा, अब देखो 5 2 7 2 9 1 10, अब नहीं जा रहा, लास्ट में 5 है तो 5 से डिविजिबल है, 5 2 जा 10, कैरी 2, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, ओके 245 आ गया, 245, फिर ये 5 से जाएगा, 5 4 जा 20 और 45 5 9 जा, चलो हो गया 7 7 जा और 7 1 जा.
तो ये किसके इक्वल हुआ, 2 × 2 2 times है, तो यहां लिख दे रहा हूं 2 × 2 × 3 कितने बार है, 1 2 3 4 4 times 3 आया है, तो 4 times 3 लिखोगे, 3 × 3 × 3 × 3, और 5 times 2 times है, 5 2 times सॉरी, और 7 भी 2 times, इसको आगे तक मारो, ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए, स्प्लिंडा प्राइम फैक्टर हमने करे। अब हमने बताया था जो भी प्राइम फैक्टर हैं उसका आप पेयर बनाइए, है ना, तो आप ऊपर भी डैश लगा सकते हैं, नीचे उसके फर्क, एक पेयर बन गया टू का, पेयर का मतलब टू टू सेम प्राइम फैक्टर होना चाहिए, 3 3 2 थे एक पेयर बन गया, 3 3 2 times आया एक पेयर बन गया, 5 5 2 times एक पेयर बन गया, 7 7 2 times आया एक पेयर बन गया। अब ये स्क्वायर रूट से प्राइम फैक्टर बाहर आ जाएगा, पेयर में से एक, टू का पेयर है तो टू बाहर आएगा, ये थ्री का पेयर है थ्री एक बार आएगा, फिर सेकंड थ्री का पेयर है ये थ्री बाहर आ गया, ये फाइव का है तो फाइव बाहर आ गया, और ये सेवन का है तो सेवन बाहर आ गया। देखो 5 2 10 होते हैं, 3 3 9 9 7 63, और 63 में जब 10 से मल्टीपल करेंगे 630, तो स्क्वायर रूट ऑफ 396,900 विल बी 630, क्लियर हो गया ना स्क्वायर रूट। प्राइम ये कहता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड भी होता है वो आगे आएगा सिखाएंगे, पहले ये। अब इसी का हम करते हैं लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, नॉट थर्ड पार्ट, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1,94,481, तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज, हमने सिंबल लगा दिया। अब इसके हमें प्राइम फैक्टर करने हैं, कर लीजिए 194481, चेक करें थ्री से डिविजिबल है कि नहीं, 1 और 8 9 9 और 4 13 13 और 4 17 118 और 9 27, 27 थ्री से डिविजिबल होता है तो थ्री से चला जाएगा, लास्ट में 0 2 4 तो है नहीं, तो इवन नंबर तो है नहीं, टू से तो डिविजिबल होगा नहीं, इसलिए थ्री से चेक करा मैंने, 3 6 18 कैरी 1 14 हो गया, 3 4 12 कैरी 2 24, 3 8 24 और 3 2 6 2 2 21 21, 3 7 21। जब 3 से एक बार गया तो दूसरी बार तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि पेयर बनते ही बनता, तो सोचना नहीं 3 से डिवाइड कर दो, 3 2 6 ना जाने की 0 से बोलते हैं ना, अब ये कितना जा 448, कुछ गलत कर दिया, हाँ गलत कर दिया, 3 2 6 3 1 3 18 3 6 18, अब इसके ना जाने की 0 3 9 27, ओके। अब चेक करें किससे 3 से जाएगा, नहीं 2 1 3 3 6 9 9 9 18 18 इज डिविजिबल बाई 3, तो 3 से चला जाएगा, 3 7 21 3 2 6 3 3 9, तो ये भी 3 से जाएगा, क्योंकि 3 बार है तो इवन टाइम्स आएंगे तभी तो पेयर बनेगा, 3 2 6 3 4 4 2 6 1 7, 3 से जाएगा नहीं ये, 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 6 से इवन नंबर है नहीं, 6 से कटेगा नहीं, 7 से देखते हैं, 7 3 21 और 3, हाँ 7 से गया, देखो 7 3 21 कितना बचा, 3 3 0 30, तो 7 4 28 2 2 1 21 7 3 3 43 भी 7 से चला जाएगा, 7 4 28 अब बचा कितना 6 6 3 63, 7 9 63, 49 होता है 7 × 7, 7 7 7 1 जा, ओके। तो ये किसके इक्वल हुआ, इसको लिख लो प्राइम फैक्टर्स के, 3 4 times है, 3 × 3 × 3 × 3, 7 भी 4 times है, 7 × 7 × 7 × 7, हमने पेयर बनाए सेम प्राइम फैक्टर के, तो 3 के 2 पेयर हैं और 7 के, तो स्क्वायर रूट्स के बाहर 3 एक बार आएगा, दूसरे पेयर से एक बार 3, 7 का पेयर बनना है 7 बाहर आ जाएगा, दूसरा भी 7 का पेयर बनना है 7 बाहर आ गया, 7 3 21 21 21 होते हैं 441, 3 3 9 9 7 63 7 441, तो 441 इज द स्क्वायर रूट्स ऑफ गिवन नंबर, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एंड द क्वेश्चन 3 इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर वाई विच 2592 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज परफेक्ट स्क्वायर, इस तरह के सवाल कैसे करेंगे, क्वेश्चन का मतलब क्या है, इसमें हम वो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीपल करें जिससे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो क्या करेंगे हम, इसको प्राइम फैक्टर में आप लिख लीजिए,
प्राइम फैक्टर आपकी मर्जी है, आप रफ पर सॉल्व कर लो या सामने से शो कर दो, हमें तो बस फैक्टर लिखने हैं जो भी प्राइम फैक्टर आएंगे। तो करने का तरीका देखिए, हमने 2 से डिवाइड करा, 2 बन जा और 2 2 जा 4, 2 9 जा 2 6 जा 12, फिर 2 से चला जाएगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, हाँ ठीक है, फिर 2 से 2 3 जा और ये कितना 2 2 जा 2 4 जा, ओहो बड़ा लंबा हो गया, फिर 2 से ये 2 है सॉरी 2 8 जा अब सही है 9 9 जा, यानी कि 3 4 टाइम्स आएगा, 3 से 27 टाइम्स, 3 से 9 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स और 3 से 1 टाइम्स, ओके। तो ये किसके इक्वल हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 है 4 टाइम्स, 3 इंटू 3, ओहो यहाँ लिख दे रहा हूँ 3 इंटू 3। आप पेयर बनाओ, 2 का पेयर, 2 का पेयर, 2 का पेयर और 2 का पेयर, तो इसमें कोई ना कोई नंबर ऐसा आएगा जो अनपेयर होगा, जैसे यहाँ 2 बच गया, तो पेयर के लिए हमें क्या है 2 और चाहिए, तो यानी कि 2 से और मल्टीपल कर दें अगर हम इसमें, है ना, तो देखो पेयर बन जाएगा, तभी तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो जो अनपेयर है उसी नंबर से हमें मल्टीपल करना होगा, और ये जरूरी नहीं कि एक ही हो, दो भी तीन भी हो सकते हैं, कि 2 भी आया था 3 भी आया था, यहाँ केवल एक 2 अनपेयर आया है। तो इसमें कुछ लिखोगे, थोड़ी सी लैंग्वेज क्या लिखोगे, सिंस द प्राइम फैक्टर कौन सा 2, सिंस द प्राइम फैक्टर कौन सा, ये 2 ही तो अनपेयर है, 2 कैन नॉट बी पेयर, सिंस द प्राइम फैक्टर 2 कैन नॉट बी पेयर, ये पेयर नहीं हो चुका हो सका, है ना, पेयर नहीं हो सका, तो हमें किससे मल्टीपल करना होगा, 2 से करना होगा, तो गिवन नंबर लिख दोगे, सो द गिवन नंबर, ये लैंग्वेज थोड़ी सी लिखनी होगी, द गिवन नंबर शुड बी मल्टीप्लाई बाय 2, बस मल्टीप्लाई बाय, और अगर डिवाइड का भी क्वेश्चन आता है इस तरीके से, तो जो अनपेयर है अगर ये डिवाइड का होता तो डिवाइड भी हम इसमें 2 से ही करते, मल्टीप्लाइड बाय 2, ओके। नाउ सेकंड पार्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर वाई विच 12,000, नंबर ये रखा है 12,748 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, जिससे कि प्रोडक्ट एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। सेम बिल्कुल डिटो ऊपर की तरह है, इसके प्राइम फैक्टर में रफ्पा कर देता है, यहाँ स्पेस बिगड़ता है, तो हम इसके प्राइम फैक्टर निकाल पाते हैं, 1 2 7 4 8, इवन नंबर है 2 से डिविजिल होगा, 2 6 जा 2 3 जा कैरी 1, 2 7 जा 14, 2 4 जा 18, फिर 2 से होगा 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 कैरी 1, 7 2 2 8 जा 16, 2 7 जा, अब देखें किससे होगा ये, 3 1 4 4 8 12, 12 और 7 19, तो 3 से तो होगा नहीं, ओके, तो ये आ गया 3 1 8 7, ये किसी से भी डिविजिबल नहीं है, ये एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर किसी से डिविजिबल नहीं होता, तो हम इसी से डिविजिबल करेंगे, बड़ा खतरनाक नंबर है। तो ये क्या हो गया, 12,748 इक्वल है 2 इंटू 2 इंटू 3 1 8 7, तो क्या लिखोगे, सिंस द प्राइम फैक्टर, ये तो पेयर बन गया, ये नहीं बनना, सिंस द प्राइम फैक्टर 3 1 8 7 इज नॉट इन अ पेयर, तो पेयर के लिए हम इसके मल्टीप्लाई करें तभी तो सेम आएगा, तो बी शुड बी, तो लिख दोगे दे, तो सिंस द क्या लिखें, द गिविन नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड वाई 3,187, एक जरा आंसर चेक कर लो, 3 1 का क्वेश्चन नंबर, 3 का
फर्स्ट टू था, सेकंड देखते 3000, ओके 3187। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, इन द क्वेश्चन फोर है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 10,368 वी डिवाइडेड सो डेट द रिजल्ट इज परफेक्ट स्क्वायर। तो जो भी अनपेयर होगा उस प्राइम फैक्टर का हम डिवाइड कर देंगे, जैसे हमने मल्टीपल में करा था, लेकिन इसमें आगे कुछ और पूछा है, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द रिजल्टिंग नंबर। तो हमें रिजल्टिंग नंबर का स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम तो हमें 10,368 के प्राइम फैक्टर करने हैं, वो मैं रफ्फा कर ले रहा हूँ, 10,368 के प्राइम फैक्टर। चलिए करते हैं, 2 से डिवाइड होगा पहले, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 कैरी 1, 1 8 1 6 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, अगेन डिवाइडेड बाई 2, 25 2 जा 51 बचा, 1 8 18 नहीं, 2 9 जा 18, 2 2 जा, फिर 2 से 12 2 जा 24, 1 कैरी तो 19 हो गया, 2 9 जा 18, 1 कैरी 12, 2 6 जा 12, फिर अगेन 2 से 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 3 जा, 2 2 जा, 2 4 जा, फिर 2 से फिर अगेन 2 से 2 8 जा, 2 1 जा, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ क्योंकि 81 तो 3 into 3 into 3 होता है, तो एक 2 अनपेयर बचेगा, 3 से करा 27, 3 से 9 टाइम, 3 से 3 टाइम्स और 3 से फिर 1 टाइम्स, तो 3 तो आ रहा है 1 2 3 4 4 टाइम्स और 2 आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हुए, 2 7 टाइम्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स, और 3 आ रहा था 4 टाइम्स, 3 into 3 into 3 into 3, पेयर देखे हमने बन गए, एक 2 रह गया अनपेयर। तो जो अनपेयर प्राइम फैक्टर रह जाता है हम उसी से मल्टीपल करते हैं, और बात सही डिवाइड की तो हम उसी से हम करेंगे डिवाइड। तो लिखेंगे सिंस द प्राइम फैक्टर, सिंस द प्राइम फैक्टर कौन सा 2 कैन नॉट बी पेयर, कैन नॉट बी पेयर, पेयर नहीं हो सकता, हमें डिवाइड करना है तो इसी को हटाएं, तो 2 से डिवाइड कर दें, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो गिविन नंबर, सो द गिविन नंबर so the given numbers should be divided by क्या जो अनपेयर है कौन सा 2, तो 2 से हमने डिवाइड कर दिया, ओके। अब इसमें यह भी पूछा है कि हमें जो नंबर मिल रहा है उसका स्क्वायर रूट क्या होगा। अब जरा पहले ओरली समझ लो, हम जब 2 से डिवाइडेड कर देंगे तो ये हट जाएगा, तो स्क्वायर रूट क्या होगा, ये पेयर है 2 2 2 2 2 जा 4 2 जा 8 और 8 9 72 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब हम करेंगे कैसे ये भी दिखा दो, देखो तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हुआ, हमारे पास जो नंबर होगा वो नंबर होगा क्या रिक्वायर्ड, कभी कभी नंबर भी पूछ रहे थे, रिक्वायर्ड नंबर हमें 2 से डिवाइड करना है इसमें, है ना, 10,368 में, तो कर दो 10,368 upon 2, तो क्या है 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, कैरी इधर गया 16, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8। तो इसका स्क्वायर रूट पूछा है, स्क्वायर रूट का सिंबल ही होता था, तो 5 1 8 4 का स्क्वायर रूट क्यों होगा, अब हमें करने की जरूरत नहीं है, ये रहा बस इस 2 को हटा दो ये आ जाएगा, तो क्या होगा स्क्वायर रूट 2 into 2 into 2 into 2, 6 टाइम आएगा क्योंकि इधर हट गया 1 2 3 4 5 6, तो 4 टाइम्स मैंने लिख लिया 5 6 और 3 थे 4 टाइम्स, 3 into 3 into 3 into 3, पेयर अब सब पेयर में आएंगे हम डिवाइड कर दिया, तो हर पेयर का एक प्राइम फैक्टर लिख लो, फर्स्ट पेयर का 2, दूसरे का 2, तीसरे भी 2 का है, फिर ये 3 का और ये 3 का, तो कितने हो गए 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 जा 24 3 जा 72,
तो जो नंबर है स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट होगा 72। तो दो आंसर हो गए, हमें डिवाइडेड करना है 2 का, और जो नंबर ऑप्टिन हुआ बाई चांस नंबर भी पूछ लेता तो वह 5184 यानी कि 5184, और स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर विल बी 72। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द क्वेश्चन 5 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.1764। तो कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, इसका स्क्वायर रूट का मतलब आपको बताया था क्या होता है, स्क्वायर रूट का सिंबल लगा दो, इसका स्क्वायर रूट होगा ये। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या करें, डेसिमल रिमूव कर दो और अपॉन में जानती हो वन लिख के जितने प्लेस हैं 1 2 3 4, तो 4 0 आगे हमने इंसर्ट कर लिए। अब जैसे ऊपर करा था इसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर लो, चलिए करते हैं अपर 1764 को प्राइम फैक्टर फाइंड करें इसके, देखते हैं क्या आते हैं। 2 से जाएगा 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 8 जा 16, 2 2 जा, फिर 2 से 2 4 जा, 2 4 जा और 2 1 जा। अब ये 3 से जाएगा 4 4 8 1 9 है, तो 3 से जाएगा 3 1 जा 3, कैरी 1 14 हो गया, 3 4 जा 12, 2 कैरी 2 1 21, 3 7 जा, फिर ये 3 से आ रहा है 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। अब ये 7 से हो गया 7 7 जा, तो 2 into 2 into 3 into 3 into 7 into 7 हो गए कितना 1764। तो 1764 जा क्लिक लिया 2 into 2 3 into 3 7 into 7, पेयर देखें बन गए। अपॉन में 10,000 का था 100 into 100 है ना, और 100 क्या होता है 25 4 जा का था 2 into 2, इसके जो फैक्टर कर रहा हूं मैं ये हो गए 5 into 5 into 5 into 5, कैसे देखो 5 5 जा 25 25 4 जा 100, और 100 इसके जब इसके प्राइम फैक्टर करोगे तो मैंने डायरेक्ट कर दिए, अब ये आएंगे इसके भी हम पेयर बनाए। तो स्क्वायर रूट्स क्या होता है, पेयर बाहर आ जाता है एक प्राइम फैक्टर, 2 into 2 का एक पेयर है, स्क्वायर रूट का सिंबल लग जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, एक 3 बाहर आएगा और एक 7। अपॉन में क्या आएगा, एक तो ये 2 है और एक ये 2 है और एक ये 5 है और एक ये 5 है, 5 5 जा 25 25 4 जा 100, और ये कितना है 7 3 जा 21 21 2 जा 42 अपॉन 100, तो 2 प्लेस के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो 0.42 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 0.1764। ओके, यहां आप ये मत करना कि 2 से 2 कैंसिल कर दो, ये ध्यान रखना है ना, तो ये 21 अपॉन कितना जाएगा 100, 2.1 लिख दो, तो यहां कैंसिल नहीं करना, हमें ऐसे लिखना है। ओके, तो 0.42 इज द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर। नाउ सेकंड पार्ट, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 96 होल 1 अपॉन 25। तो पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखें, तो 25 इंटू 96 ये होते हैं 2400, और प्लस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 2401 अपॉन 25। अब 2401 के फैक्टर करें और नीचे 25 के, 25 के तो इजी है, हाँ इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट और लगा दूं मैं, स्क्वायर रूट लगाना भूल गया, इसका स्क्वायर रूट मतलब ये। अब इसके फैक्टर करते हैं, चलिए तो देखो 25 के तो सिंपल सिंपल 5 into 5 हो गए, इसके हम करते हैं 2401, तो 2401 के प्राइम फैक्टर करें, 7 से जाएगा 7 3 जा 21 होते हैं, 3 बचा 3 0 30, तो 7 4 जा 28, 2 बचा 7 3 जा 343, क्या होता है 7 का क्यू होता है ये, तो 7 से 3 बार और चला जाएगा, देखो 7 से 7 4 जा 28, 6 बचा 63, 7 9 जा 63, और जो हो गया 7 7 जा 7 1 जा, तो 2401 क्या हुआ 7 into 7 into 7 into 7, 4 times 7 आएगा, तो 7 into 7 into 7 into 7, पेयर बनाए 7 का 2 times और 5 का 2 times, तो स्क्वायर रूट क्या आएगा, एक पेयर का प्राइम फैक्टर आ गया, दूसरे पेयर का प्राइम फैक्टर लिख लिया, अपॉन में 5 का एक ही पेयर है तो इसका प्राइम फैक्टर 5, बस ये इसका आंसर हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर विल बी 49 अपॉन 5। हाँ ज़्यादा से ज़्यादा इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में हमें दे रखा था, बना दो ऐसे छोड़ दे, तो 5 9 जा
45, रिमाइंडर क्या बचा 4, तो 9 एंड 4 अपॉन 5 इज द स्क्वायर रूट ऑफ गिवेन नंबर. नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, 0.01 169 होता 13 का, याद होना चाहिए. इसका स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट हमने बताया था, सिंबल लगा दो. अब इसका क्या करेंगे, डेसिमल हटा के नीचे वन के आगे उतनी ही जीरो बढ़ा दो जितने प्लेस के बाद डेसिमल. 1 2 3 4 1 2 3 4, 10,000 का हमने अभी करा है, 2 4 times आया और 5 4 times आया, तो इसके फैक्टर करें, ये 169 होता है 13 का स्क्वायर, तो 13 into 13, और 10,000 के फैक्टर होंगे 2 into 2 into 2 into 2, और 5 भी 4 times आया, 5 into 5 into 5 into 5, तो पेयर बनाए, 13 का तो पेयर है, तो प्राइम फैक्टर ऊपर से एक बाहर आ गया 13, और नीचे से क्या होगा, 2 का पेयर है तो एक 2 लिखेंगे फैक्टर, प्राइम फैक्टर, ये भी 2 का, इसका भी एक प्राइम फैक्टर लिख लो, इसका भी एक बार प्राइम फैक्टर, और एक और दूसरा 5, तो ये हो गया 13 upon 5 5 25 25 2 50 52 100, और 100 का 30 में डिवाइड करेंगे तो 0, ये तो मान लो 2 प्लेस का 0 है, 2 प्लेस का डेसिमल लग जाएगा, तो 0.13 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 0.0169. तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया. आज के वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी. मुझे उम्मीद है आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट समझ में आ रहे होंगे. फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा. अगर पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, अब वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.